नमस्कार किसान भाइयों, ग्रामोफोन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फसलों के सबसे बड़े दुश्मन टिड्डी दल का हमला इस बार बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। यह फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आज की इस वीडियो में आप टिड्डी दल की पहचान और टिड्डी दल के हमले से फसल की बचाव के उपाय जानेंगे। टिड्डियों की प्रजाति में खास तौर पर रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे विनाशकारी और खतरनाक माना जाता है। इनकी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता और लंबी दूरी तक पलायन करने की विशेषता के कारण इनकी प्रजाति अन्य टिड्डियों से अलग होती है। यह टिड्डी दल सामान्यतः प्रतिदिन 150 किलोमीटर की दूरी तक पलायन करने में सक्षम होते हैं। इन टिड्डी दलों का आगमन भारत में पाकिस्तान के रास्ते होता है। हालांकि इनकी उत्पत्ति पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की दक्षिण पश्चिम सीमा से जुड़े ईरान से होती है, जहाँ इन टिड्डियों की आवाजाही गर्मियों में अरब सागर की चलने वाली धूल भरी हवाओं से होती है। यह दल पाकिस्तान की सिंध के रास्ते से होता हुआ पश्चिम राजस्थान में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता है। वर्तमान में यह दल गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर विनाश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। पलायन करके आने वाली टिड्डी दल दो रंगों में पाई जाती है, गुलाबी और पीला। इसमें से पीले रंग की टिड्डियां ही अंडे देने में सक्षम होती है, इसलिए इन पीली रंग की टिड्डियों पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह पीले रंग की टिड्डियां 3 से 4 दिनों तक उसी स्थान पर बैठी रहती हैं तथा उड़ती ही नहीं है, अतः किसी भी समय अंडे देना शुरू कर दी। यह अपने अंडे जमीन के 6 से 10 सेंटीमीटर अंदर देती हैं तथा 10 से 12 दिनों बाद इनके बच्चे अंडों से बाहर निकल जाते हैं। टिड्डियों के बच्चे को फाके कहा जाता है। ये पंखविहीन फाके सफेद रंग के होते हैं, जो जमीन पर चलते हुए फसलों या हरियाली को बर्बाद कर जाते हैं तथा जल्दी ये काले रंग के हो जाते हैं। टिड्डी 30 दिन में वयस्क हो जाती है और पीले रंग की हो जाती है। फिलहाल अगर बात गुलाबी टिड्डियों की करें तो इनका दल अपना पड़ाव अधिक समय तक एक ही स्थान पर नहीं रखता है, अतः इसका त्वरित नियंत्रण जरूरी होता है। टिड्डी दल से होने वाले नुकसान, ये टिड्डियां सामने आने वाली हर एक फसल को कुछ ही घंटों में चट कर जाती हैं, साथ ही साथ जिस पेड़ पर ये बैठती हैं उसकी छाल और सारी हरियाली खत्म कर देती है। टिड्डी जब अकेली होती है तो उतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन झुंड में रहने पर ये बहुत खतरनाक और आक्रामक हो जाती है। टिड्डियों का जीवन काल कम से कम 40 से 85 दिनों तक का होता है। इसमें प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण ये केवल 3 महीनों में अपनी संख्या 20 गुना तक बढ़ा सकता है। सामान्यतः टिड्डियों का दल दिन के समय उड़ता रहता है तथा शाम को पेड़ों पर, झाड़ियों में और फसलों आदि पर बैठ जाता है और भारी नुकसान पहुंचाकर सवेरे फिर उड़ जाता है। टिड्डी दल से बचाव के उपाय। किसान भाई अगर अपने खेतों के ऊपर टिड्डी दल को मंडराते हुए देखें तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें और साथ ही इनसे होने वाले नुकसान के बचाव के लिए उपाय भी करें। आइए जानते हैं टिड्डियों से निजात पाने की इन्हीं उपायों। खेतों में कब्जा जमाए टिड्डी दल को उस क्षेत्र से हटाने या भगाने के लिए आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आवाज से टिड्डी दल भागने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने खेतों में कहीं कहीं आग जलाकर, पटाखे फोड़कर, थाली बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर, ट्रैक्टर के साइलेंसर को निकालकर, तेज ध्वनि निकालकर भी टिड्डियों को दूर भगा सकते हैं। अगर आप टिड्डियों के झुंड को अपने खेतों में बैठे हुए शाम के समय देखें तो रात के समय ही कल्टीवेटर चला दें। इसके अलावा कल्टीवेटर के पीछे खंबा, लोहे का पाइप या ऐसी कोई अन्य वस्तु बांधकर चलाएं। ऐसा करने से पीछे की बुनी पुनः समतल हो जाएगी और टिड्डियां उसमें दबकर मर जाएंगी। जहां टिड्डियां अंडे देती हैं उन स्थानों को खोदकर या फिर जुताई करकर अंडों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक दवा मेलाथियन 5% चून को 10 किलो प्रति एकड़ की दर से अंडे देने वाली जगह पर बुरकाव कर देना चाहिए। अंडों से निकलने वाली फाके पहली और दूसरी अवस्था में चलने लायक नहीं होती, तो इन्हें इसी अवस्था में नष्ट कर देना चाहिए। तीसरी अवस्था में ये झुंड में चलना शुरू कर देते हैं, अतः फाकों के भरने वाली दिशा में 2.5 फुट गहरी और 1 फुट चौड़ी खाई खोद दें ताकि फाके इसमें गिर जाएं। इसके बाद इन्हीं गड्ढों को मिट्टी से भर दें ताकि इसमें गिरे फाके दबकर खत्म हो। नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी 480 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी 200 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रिन 2.8% ईसी 200 मिलीलीटर या फिर लैम्डा साइलोथ्रिन 5% ईसी 160 मिलीलीटर या फिर लैम्डा साइलोथ्रिन 10% WP 80 ग्राम या फिर मेलाथियन 50% ईसी 740 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी की दर से कीटनाशकों का उपयोग कर टिड्डियों पर किया जा सकता है। बहरहाल ये थी टिड्डियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमने कोशिश की है कि इससे जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे सके। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर कृषि विशेषज्ञों से सीधे अपनी शंका समाधान के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3157566 पर मिस कॉल दें। धन्यवाद।